ABPS सरकार के अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में स्थित कुआखेड़ा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 5200 की आबादी व 3600 वोटरों द्वारा अफसाना को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 874 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 299 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से खराब हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 157 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत कुआखेड़ा से ग्राम प्रधान जी का छोटा भाई। देखिए, आज से 2 साल पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। उन चुनावों में हमने अपने गांव की जनता से बहुत सारे वादे किए और हमने ये शपथ भी ली कि हम अपनी ग्राम पंचायत को चमकाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार दूसरी सरकार बनी, उसके बाद ग्राम पंचायत में काम बहुत ही स्लो हो गए। कोई फंड रिलीज नहीं हो पा रहा, किसी भी योजना से कोई फंड नहीं आ रहा, छोटी छोटी किस्तें आती है जिससे कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। विकास कार्यों में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उसका कारण है फंड रिलीज होना। और गांव के अंदर जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। ग्राम पंचायत की नालियाँ टूटी पड़ी हैं, जो कि नालियाँ नहीं बन पा रही हैं फंड की वजह से, और जल का कोई निकास नहीं है। नालियों के गंदे पानी रास्तों पर, सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। और पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों को डेंगू बीमारी से जूझना पड़ा। और सरकार से हमारी यही प्राथमिक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ग्राम पंचायतों पर ध्यान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने के लिए उनको फंड रिलीज कराया जाए। और ग्राम पंचायत में लाइट की व्यवस्था कराई जाए ताकि नुक्कड़ चौराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी गाँव के अंदर हो। पाखेड़े से बोल रहे हैं हम, परवेज आलम नाम है मेरा। और हमारे जो गाँव के प्रधान हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है और ये बड़े जो नेता हैं, इन्होंने कुछ भी एक्शन अभी आज तक नहीं लिया। ये रोड ऐसे ही बना हुआ है, देख लीजिए। जिला पंचायत से पास हो चुका है एक बार, लेकिन जिला पंचायत की कुर्सी हट गई। जिला पंचायत की कुर्सी भी हट गई, सड़क फिर बीच में रहेगी। अच्छा, प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा सही करके। गंदगी बहुत ज़्यादा है हमारे मोहल्ले में, बहुत ज़्यादा आ गया।